असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में दो दो स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी। कई बार पहली स्टेटमेंट को हम असर्शन कहते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को रीजन लिखते हैं, या सिंपली स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू कहा जाएगा। तो आपका आंसर ए बी सी या डी क्या होगा, ये यहां से आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको सिंपली चेक कैसे करना है। पहली चीज आपको ये देखनी है क्या स्टेटमेंट वन ट्रू है कि फॉल्स है, फिर देखना स्टेटमेंट टू ट्रू है कि फॉल्स है। पहले तो चेक करो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स, और उसके बाद ये चेक करो अगर तो कोई एक भी गलत निकले आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या स्टेटमेंट टू जो है वो स्टेटमेंट वन के रीजन को एक्सप्लेन कर रही है, उसके कॉज को एक्सप्लेन कर रही है, क्या स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन की या नहीं। या मे बी ऐसा हो सकता है स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो वन भी करेक्ट हो, बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, टू और वन दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो। तो इसी के अकॉर्डिंगली अब आपके आंसर्स क्या क्या होंगे, आपका आंसर होना चाहिए पार्ट ए कब, इफ स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स। अगर तो स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है तो आपका आंसर होना चाहिए ए, पार्ट ए आपका आंसर होगा ए। बी अगर वन फॉल्स हुई और टू टू ट्रू हुई तो आपका आंसर होगा बी। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, आप पहले चेक करो दोनों ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, अगर स्टेटमेंट टू फॉल्स होगी तो आंसर ए, स्टेटमेंट वन फॉल्स होगी तो आंसर बी। अब सी पार्ट, अगर स्टेटमेंट वन और टू दोनों ट्रू होंगे बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। और डी तब होगा जब स्टेटमेंट वन और टू है तो दोनों ट्रू, बट स्टेटमेंट टू का वन से कुछ लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्टेटमेंट वन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में, इफ आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल देन फील्ड एट सच अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इज इट ट्रू और फॉल्स। बाकी लोग, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। आपको याद होगा एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन हो गई, ये यहां पर इक्विटोरियल लाइन आ गई। एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मोमेंट की होती है, अगर आपको याद हो बी एक्सियल, चाहे आप लेफ्ट साइड पे ले लेंगे ये पॉइंट या राइट साइड पे, अगर इस साइड भी लेंगे पॉइंट तो बी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड आपको ढूंढना हो तो वो एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट है। अब बी एक्सियल का फॉर्मूला याद है किसी को? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। वेरी गुड। और बी इक्वेटोरियल के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस ट्वाइस नहीं आएगा, m अपॉन r क्यूब, ठीक है। एनीवे दोनों ही केसेस में अगर आप देखें तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट वन फॉल्स है तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, पार्ट बी। एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट वन अगर फॉल्स है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी। अब इसमें स्टेटमेंट टू बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट टू को पढ़ लेते हैं। चलिए, एज डिस्टेंस इंक्रीजेज अलॉन्ग द एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट ए के मुकाबले में पॉइंट बी पे फील्ड कमजोर होगा, बी के मुकाबले में सी पे कमजोर होगा, सी के मुकाबले में डी पे कमजोर होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है लेकिन स्टेटमेंट वन फॉल्स है, बिकॉज बी इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो क्वेश्चन वन का आंसर आ गया बी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? यस नो? नो सर। ओके गुड। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर टू, गुड। स्टेटमेंट वन है इसमें, अ डिप सर्कल इज टेकन टू जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, द नीडल इज अलोड टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, रिमेंबर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, द नीडल विल ऑलवेज स्टे इन अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, हॉरिजॉन्टल पोर्शन मतलब पोर्शन गलती से लिखा हो, हॉरिजॉन्टल पोजिशन होगा।
बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स। वैसे इक्वेटर पे डिप एंगल कितना होता है? जीरो। तो अगर डिप एंगल जीरो होगा तो नीडल हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, मैग्नेट नॉर्मली क्या है, हम डिप सर्कल को कहां रखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में। पहले कंपस रखते हैं, अगर कंपस इस डायरेक्शन को दिखा रही है हमें नॉर्थ साउथ, तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो हम डिप सर्कल का प्लेन ऐसे होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला, डिप सर्कल के परपेंडिकुलर प्लेन रखेंगे। तो भाई डिप सर्कल के परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ग्राउंड के पैरेलल चल रहा होगा, जो बी है वही बी हॉरिजॉन्टल है, डेल्टा की वैल्यू जीरो है, बी वर्टिकल तो है ही नहीं। तो बी वर्टिकल है ही नहीं, तो वर्टिकल जब वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है, फील्ड ही हॉरिजॉन्टल है, तो नीडल तो हॉरिजॉन्टल रहेगी। फिर आप इसको इस प्लेन में रखें या इस प्लेन में रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस प्लेन में तो फील्ड है, इस डायरेक्शन में फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर से नीचे आएगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ज्योग्राफिक साउथ से लेकर ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहती है, लेकिन आपने इस प्लेन को छोड़ के इस प्लेन में रखा, हालांकि यहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट टू पे आइए आप जरा। एट द जियोमैग्नेटिक इक्वेटर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, इज स्टेटमेंट टू ट्रू? यस और नो बोलिए ना। आदित्य? यस सर। हाँ बेटा, स्टेटमेंट टू ट्रू है कि फॉल्स है? भाई इक्वेटर पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है या नहीं होता है? यस सर। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है जतिन? इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट टू जो है? यस सर, ट्रू है सर। ठीक है, गुड। और स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, बट यहां पे स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैग्नेटिक नीडल की टेंडेंसी होगी अपने आप को पैरेलल अलाइन करे, फील्ड इधर है, लेकिन हमने इसको कहां रखा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमने अपने डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर रखा। अब ये नीडल बेचारी ऊपर नीचे जा सकती थी, इधर तो घूम ही नहीं सकती, इसकी टेंडेंसी तो यही होगी ये घूम के इधर आ जाए, बट यहां जाने की परमिशन ही नहीं है इसको, तो ये यहीं पे फंसी रहेगी, ना ऊपर जा सकती ना नीचे जा सकती, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां रहेगी। और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है कि भाई यहां पे फील्ड हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसके यहां पे रहने के लिए ये कारण नहीं है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि नीडल जो है उस प्लेन में रोटेट ही नहीं कर सकती। अगर ये रीजन दिया होता तो हम कहते स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, अगर स्टेटमेंट वन में ऐसा कहा जाता द नीडल इज अलोड टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन या इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, कि मैग्नेटिक मेरिडियन में फ्री टू रोटेट है, अब ये हॉरिजॉन्टल रेस्ट करती, तो इसका रीजन ये था कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हॉरिजॉन्टल है। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होती फिर स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती, बट अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है यहां पे, और हमने डिप सर्कल को उसके परपेंडिकुलर रखा, तो नीडल की टेंडेंसी तो है बेचारी उधर आ जाए, लेकिन उस प्लेन में ये रोटेट नहीं कर सकती, ये बस ऐसे रोटेट कर सकती है ऐसे। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, टू भी ट्रू है, बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर थ्री। स्टेटमेंट वन, आयरन बिहेव्स एज अ मैग्नेट। स्टेटमेंट टू, इन मैग्नेट मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो पहले तो ये बताइए क्या स्टेटमेंट वन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। बाकी लोग बताओ स्टेटमेंट वन ट्रू है कि फॉल्स है?
आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको थोड़ा सा मैग्नेटाइज करें तो ये मैग्नेट बन जाता है, बट इट इज नॉट अ मैग्नेट एट ऑल। आयरन को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, आयरन अपने आप मैग्नेट नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब थोड़ा भी फील्ड अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और आसानी से लूज भी कर देता है मैग्नेटाइजेशन। स्टेटमेंट टू में हमसे कहा इन मैग्नेट द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। नो बेटा, इसमें स्टेटमेंट वन को हम फॉल्स लेंगे। जब स्टेटमेंट वन ही फॉल्स है तो आपका आंसर आ जाएगा पार्ट बी। ठीक है, स्टेटमेंट फोर, क्वेश्चन फोर, स्टेटमेंट वन, एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्टेड टू अ बार मैग्नेट। अगर आयरन का पीस मैग्नेटाइज ना भी हो तो भी बार मैग्नेट उसको आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है, यस आर नो, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक बार मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट करेगा, इज इट ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। अब उसके बाद आपसे कहा गया है एन एटम इज इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप। एक एटम जो है वो इक्विवेलेंट टू अ करंट लूप है। हाँ, क्या ये इसका कारण है स्टेटमेंट वन का? नो सर, नो। तो स्टेटमेंट वन और टू दोनों ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, सो आवर आंसर शुड बी डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, ट्रू और फॉल्स? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हाँ ठीक है, गुड। पिछली क्लास में ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर की थी, अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने यही चीज डिस्कस की थी। क्यूरीज लॉ सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट टू, एट क्यूरी पॉइंट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन की, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि मैंने आपको क्यूरीज लॉ इन फेरोमैग्नेट्स भी पढ़ाया था। Susceptibility is inversely proportional to T minus TC. Temperature above Curie temperature. लेकिन जब above Curie temperature चले गए तो ये material ferromagnetic तो रहा ही नहीं. So this is correct explanation of statement 1. Let's move on to question number 6. The properties of paramagnetic and ferromagnetic substances are not affected by heating. False, they are affected. Very good. अभी अभी हमने कहा ferromagnetic paramagnetic में convert हो जाएगा Curie temperature के ऊपर, और वैसे भी और paramagnetism में भी हमने पढ़ा susceptibility is inversely proportional to temperature, absolute temperature paramagnetism में, तो ultimately temperature के साथ ही affect होती है, मतलब heat करने पे असर पड़ेगा, तो statement one is false. What about statement two? As temperature rises, the alignment of molecular magnets gradually decreases. ये है तो true है. तो स्टेटमेंट टू ट्रू है, स्टेटमेंट वन फॉल्स है, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? बी। सेवेंथ, कोबाल्ट स्टील कैन बी यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट्स। यस, कोबाल्ट स्टील एक फेरोमैग्नेट, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो यस, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। नाउ स्टेटमेंट टू, परमानेंट मैग्नेट्स शुड पोजेस हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी स्टेटमेंट वन की। इज स्टेटमेंट टू अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन? तो बेटा अभी मैं आपसे डिस्कस करने, इज स्टेटमेंट टू अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन? यस, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी हाई है, कोएर्सिविटी हाई है, मैंने कहा ना हार्ड फेरोमैग्नेटिक है तो हाई होगी ना, तो तभी तो इस्तेमाल करेंगे हम इसको, सो इसका आंसर होगा पार्ट सी। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर, यस
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट. स्टेटमेंट वन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज्ड आयरन बॉक्स इज लेस एज कंपेयर टू द आउटसाइड. ट्रू और फॉल्स? एक आयरन बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा. नहीं, ज्यादा होगा. डायमैग्नेटिक में कम होगा ना, आयरन फेरोमैग्नेटिक नहीं है क्या? यस सर. ठीक है, समझ आ गया ना? सो ज्यादा होगा. तो स्टेटमेंट वन फॉल्स, और स्टेटमेंट वन अगर फॉल्स है तो सीधा ही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पार्ट बी. स्टेटमेंट टू, यहां पे टू भी फॉल्स है, हालांकि पार्ट बी में कहा गया वन फॉल्स और टू ट्रू है, तो यहां टू भी फॉल्स है. मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज वेरी हाई, फेरोमैग्नेटिक की परमिबिलिटी बहुत हाई है, तो यहां स्टेटमेंट टू भी फॉल्स है, बट वन फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन था, दैट इज बी, तो इसलिए इसका आंसर बी ही हम लिखेंगे. स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर नाइन, अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्लेस ग्रेटर हाँ व्हेन कूल्ड. ठंडा करोगे तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आएगी. यस दिस इज ट्रू, क्योंकि गर्म करोगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, ठंडा करोगे ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी. स्टेटमेंट टू, मैग्नेटाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. टू इज फॉल्स. स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स. तो पहला क्वेश्चन जिसमें आंसर आया पार्ट ए, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड, बट अच्छा कैन बी कैन नॉट बी कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनोइड. इज इट ट्रू और फॉल्स? अरे बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है? यस सर, इट इज ट्रू. टोरॉइड सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, तो उसके अंदर ही फील्ड लाइंस कन्फाइंड होंगी, तो बिल्कुल सही है. सोलेनोइड में नहीं हो सकती, क्योंकि सोलेनोइड में उसको बाहर निकल के आना पड़ेगा. स्टेटमेंट टू, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म. यस, ये भी ट्रू है. लेकिन ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं. इसका सही रीजन क्या है कि टोरॉइड इज अ सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, तो अंदर ही क्लोज लूप बनाएंगे फील्ड लाइन्स. लेकिन सोलेनोइड ओपन, ऊपर और नीचे से ओपन है, तो पक्की बात है फील्ड लाइंस को घूम के वापस आना पड़ेगा, तभी क्लोज लूप बना सकती हैं. सो वन भी ट्रू है, टू भी ट्रू है, बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. आंसर इज डी. नंबर 11, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. स्टेटमेंट टू, कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज स्मॉल. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कौन सा, स्टेटमेंट वन या टू? दोनों ट्रू हैं. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन की. कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी स्मॉल होनी चाहिए अगर आपको टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे करंट स्विच ऑफ करें, ये अपने मैग्नेटाइजेशन लूज कर दे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ओनली अ टॉर्क एक्ट्स. नहीं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी एक्ट करेगी. टॉर्क तो तभी एक्ट करता है जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी ऐसा ही है, और मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी. सो स्टेटमेंट टू, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म. यस, वही चीज मैं कह रहा हूं, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, तो उन्होंने कहा ओनली अ टॉर्क, नहीं फोर्स भी एक्ट करेगी. तो स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है. स्टेटमेंट वन फॉल्स है, तो आंसर हो गया बी. अब बेटा ये हो सकता है मीटिंग खत्म हो जाए यहाँ पे, तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा, आपको वीडियो सेंड कर दूंगा. बाकी क्वेश्चंस में अगर डाउट होगा तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा. अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी डिस्प्लेज अ हिस्टेरेसिस लूप सच एज. यस, फेरोमैग्नेटिक, ईच एटम हैज अ नॉन जीरो, ये भी सही है. तो डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी